टू जोश द पावर ऑफ यूथ ओनली ऑन न्यूज नेशन। मैं विपुल रॉय इस एक्सक्लूसिव कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं और इस समय मैं खड़ा हूं एक ऐसे कॉलेज में जो सिर्फ दिल्ली की लड़कियों का नहीं बल्कि देश भर की लड़कियों का फेवरेट कॉलेज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गार्गी कॉलेज की। ये कॉलेज का लक्ष्य है वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाना और साथ ही साथ ये महिलाओं को सशक्त बनाता है। आइए डालते हैं इस कॉलेज पे एक नजर। ये कॉलेज साउथ कैंपस का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसमें चार मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। वेलकम टू जोश द पावर ऑफ यूथ ओनली ऑन न्यूज नेशन। मैं विपुल रॉय इस मन से आप सबका स्वागत करता हूं। वैसे बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं गर्ल्स कॉलेज में आऊं, लेकिन अगर 10-15 साल पहले आता तो बहुत पिटाई होती, वॉचमैन ही बहुत मारता मुझे बाहर पकड़ के। लेकिन आज मेरे शो के जरिए मुझे बहुत सम्मानपूर्वक यहाँ पे बुलाया गया है और हंसी मजाक की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन एक बहुत सीरियस मुद्दा मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। वो सीरियस मुद्दा ऐसा है जिस पर अगर आज अभी इसी वक्त चर्चा नहीं की गई और उसको सुधारा ना गया तो देश का भविष्य अंधकार में होगा। हर सुबह जब हम उठते हैं तो रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए हम तक बहुत सारी खबरें पहुँचती हैं और अधिकतर खबर जो होती हैं वो क्राइम से रिलेटेड होती हैं। हम पढ़ते हैं कि लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है इस देश में और उनको करने वाले लोगों में से लगभग 3% जुवेनाइल हैं। जुवेनाइल क्या हैं? छोटे बच्चे जो क्राइम करते हैं उन्हें हम जुवेनाइल कहते हैं। जिस उम्र में इन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए उस उम्र में हथियार दे दिए जाते हैं, जिस उम्र में इनकी उंगलियों पर स्याही के निशान होने चाहिए उस उम्र में खून के दाग लगा दिए जाते हैं, और जिस उम्र में इनको अपने सुनहरे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए उस उम्र में ये लोग क्राइम के नए नए तरीके सोचते हैं। ऐसे में हमारी सरकार ने 18 साल से एज घटाकर 16 साल कर दी कि भाई अब से जुवेनाइल जो हैं वो 16 साल से माने जाएंगे। सवाल मेरा ये है कि जुवेनाइल की करेक्ट एज क्या है? सबसे पहले गार्गी कॉलेज, उनके बच्चों के लिए, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। सवाल सबसे पहले यह है कि जुवेनाइल की एज क्या होनी चाहिए, आप बताइए। एज सच तो कोई करेक्ट एज एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्राइम की सीवियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब गवर्नमेंट ने एज ऑफ कंसेंट ही 16 कर दी तो हम रफली एज 16 कंसिडर कर सकते हैं एज फॉर जुवेनाइल और उससे कम के लिए। आपके कहने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गवर्नमेंट से सहमत नहीं हैं। क्योंकि क्राइम ऐसा तो नहीं है कि 16 साल के बच्चे से छोटी उम्र वाले कोई क्राइम सीवियर नहीं करते। अगर हम न्यूज़पेपर उठा के देखें तो 14-15 की एज में भी रेप केस रिपोर्ट होता है। आप मुझे बताइए जुवेनाइल की एज क्या होनी चाहिए और क्या आप सहमत हैं इनसे? मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। एज होनी चाहिए लेकिन ये किसी के बचने का तरीका नहीं होना चाहिए। करेक्ट। आज की जनरेशन इतनी एडवांस हो चुकी है कि उसे पता होता है कि 16 साल की एज पे वो क्या कर रहे हैं। आपको बाकी सारे एस्पेक्ट्स देखने होंगे कि एज के साथ साथ आपको जुवेनाइल क्राइम के नाम क्या किस तरह से वो नीचे आएंगे। सिर्फ एज कम करने से क्राइम कम नहीं होगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली एज होनी चाहिए क्योंकि ये एक डर होना चाहिए उनके मन में कि आप क्राइम करके फ्री नहीं रहेंगे। एज पैरामीटर होना चाहिए जजमेंट का, बट फिर क्राइम को भी देखना चाहिए कि कितना हीनियस क्राइम करा जा रहा है। एक जुवेनाइल जो है वो हमारा कल का यूथ है, वो कल का सिटीज़न है। तो अगर हर एक बच्चा जो 16 साल की उम्र में एक छोटा छोटा क्राइम कर रहा है उसे एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दे दे। अगर एक बच्चा है जो स्लम में रहता है और वो देख रहा है उसके पिताजी शराब पी रहे हैं, उसकी माँ डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, उसके आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उस एज में भी शुरू कर देता है यह सोचना कि वो कैसे आगे बढ़ के पैसे कमा सके। मैं आपसे जानना चाहूँगा जुवेनाइल क्राइम कौन कौन लोग करते हैं, किस कैटेगरी के आपके हिसाब से? जुवेनाइल क्राइम करने में हम कह सकते हैं वो बच्चे जिनको खाने तक को नहीं मिलता, जिनको पढ़ना तो दूर की बात, वो लोग ये सोचते हैं कि हमें रात को खाना मिलेगा या नहीं। वो 10 से ऊपर है, वो कैसा भी है, उसने एक गलत काम किया, सज़ा उसे भी मिलनी चाहिए। वजह जो आपने एक बात कही ना वो बहुत अच्छी लगी मुझे कि क्यों ये क्राइम हुआ है, क्या ये भूख मिटाने के लिए हुआ है या फिर शौक मिटाने के लिए हुआ है। गाड़ियाँ चोरी होती हैं वो नीड नहीं होती। एज घटाने से जुवेनाइल क्राइम बिल्कुल नहीं मिटेगा मेरे हिसाब से। अगर एक 16 साल का बच्चा रेप कर रहा है तो क्या उसमें समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है? पनिशमेंट उसके क्राइम के बेसिस पे मिलनी चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि एज ब्रैकेट हटा दिया जाए? हम एज नहीं हटा सकते हैं, हम क्राइम को मेजर पैरामीटर रख सकते हैं, हम क्राइम के बेसिस पे उसकी पनिशमेंट डिसाइड। कौन ये ऐसा मानता है कि इससे कम अगर एज की जाए और पनिशमेंट सख्त कर दी जाए तो शायद जुवेनाइल क्राइम घटना शुरू हो जाएगा?
आई थिंक एज का कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए क्राइम के लिए. और क्राइम अगर जो व्यक्ति भी करता है, चाहे वो बच्चा है या बुजुर्ग है, उसको उतनी ही सज़ा दी जानी चाहिए जितनी एक बड़े या वृद्ध इंसान को दी जा रही है. एज पैरामीटर हटा देना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि बात ये होती है कि कोई मैच्योर हो जाता है 12 साल की उम्र में, किसी का बचपना जाते जाते 20-21 साल तक हो जाता है. तो लॉ को प्रैक्टिकल बनाए रखने के लिए कोई ना कोई एज बार तो ज़रूरी है. मैं कहना चाहती हूँ कि जैसा कि उन्होंने कहा कि एज एक प्रैक्टिकल पैरामीटर डिसाइड करता है, और अगर हम 16 साल उम्र फिक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो जो क्राइम कर रहे हैं उसको वैसी सज़ा दी जाएगी. लेकिन अगर इतने छोटे उम्र के बच्चे को इतना खतरनाक सज़ा दे देना और उनके भविष्य को खतरे में ला देना, यह हमारे देश के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है. मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि चाहे एज कुछ भी हो, एक पैनल होनी चाहिए जिसमें साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट होने चाहिए, जो ये डिसाइड करें कि क्या वो बच्चा आगे जाके ऐसा ही हीनियस क्राइम दोबारा कर सकता है या वो जाके दोबारा सुधर भी सकता है. तो उसके हिसाब से डिसीजन होनी चाहिए. आप कुछ कहना चाह रही थी? मेरा ये मानना है कि एज पैरामीटर तो ठीक है, 16 साल रख दिया है, बट जैसे मैं इनकी बात से अग्री करती हूँ, उन्होंने जैसे कहा कि हमें स्टार्टिंग से उन्हें ये बताना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत. लोगों को जैसे बोलते हैं सोशल पॉवर्टी, पॉवर्टी ही नहीं, लोग जितने भी अमीर हैं यहाँ पर वो लोग भी रेप करते हैं, 16-17 साल के अमीर लोग भी रेप करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सोशली इशू की वजह से रेप कर रहे हैं. तो उन्हें बचपन से हमें अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स जो बड़े लोग हैं उनको बताना ज़रूरी कि कैसे क्या करना चाहिए और क्या सही है उनके लिए क्या गलत. आपने बहुत अच्छी बात कही कि रईस लोग भी करते हैं, गरीब लोग. तो पॉवर्टी को हटा दिया जाए, इस पॉइंट को हटा देते हैं. पॉवर्टी है एक पॉइंट तो वो है मतलब, बट इस पर आधारित नहीं करते इस डिबेट को. तो आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा किया जाए जिनसे हम देश और विदेश तक ये मैसेज पहुंचाएं कि ये जुवेनाइल क्राइम को हटाने का एक तरीका है. अब जैसे स्टार्ट करते हैं, हम स्कूल से ही स्टार्ट करते हैं जी. स्कूल में अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं है इंडिया में, सबको पता है. कोई बच्चा कुछ गलत काम कर रहे तो अगर आप पेरेंट्स हो तो कहीं ना कहीं उन्हें पता चल जाता है. तो उन्हें बचपन से ही उन्हें ये बताना चाहिए कि अगर तुम ये फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो एक लिमिट में यूज़ करो, ये देख रहे हो तो एक लिमिट में यूज़ करो. डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करें कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से बहुत सारा एग्रेशन बाहर निकलता है और बहुत सारे लोग जो हैं क्रिमिनल बनते हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है, जब हम देखते हैं, जब कोई भी बच्चा देखता है कि इफ़ उनकी उनकी मम्मी को पीटा जा रहा है उनके पापा के द्वारा, तो उनको जो इंडिकेशन मिलती है वो ये है कि ये ठीक है और ये होता है और इसे ग्रांटेड ले लिया जाता है. एज 16 रखिए, 12 रखिए, 15 रखिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि क्राइम के हिसाब से एक्सेप्शन आपको फिर भी देने पड़ेंगे. लेकिन लोगों को एजुकेट करना, बच्चों को शुरू से सिखाना कि क्या गलत है और क्या सही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब तक माइंडसेट में चेंज नहीं आएगा, चाहे अमीर हो गरीब हो, क्राइम ऐसे ही होता रहेगा जैसा अभी हो रहा है. यहाँ पर डिस्कशन करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एक गवर्नमेंट का सेट किया हुआ बार है, लेकिन हम इसे ज़्यादा नहीं मानते, क्योंकि क्राइम के हिसाब से उनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए. क्राइम क्यों हो रहा है? क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो अपने माँ बाप से झगड़ा करते हैं, बाहर आकर झगड़ा करते हैं, और लिटरेसी जो है वो कम होती आ रही है, चाहे वो एजुकेशनल हब हो या घर हो, हमें उनको एजुकेट करना होगा. इसी बात पे मैं लेता हूँ छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा. जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज़ नेशन. वेलकम बैक टू जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज़ नेशन. यहाँ पर चर्चा छिड़ी हुई है जुवेनाइल क्राइम, जुवेनाइल कल्प्रिट्स को लेकर, क्या एज होना चाहिए उनका. तो 16 साल गवर्नमेंट ने अभी तक की हुई है, लेकिन कई लोगों ने कहा 15 होनी चाहिए, कई लोगों ने कहा उससे भी कम होनी चाहिए. जैसा क्राइम हो वैसी सज़ा होनी चाहिए. लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये क्राइम हो क्यों रहा है, कहाँ से पैदा हो रहे हैं जुवेनाइल कल्प्रिट्स और क्यों हो रहे हैं. ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे जुवेनाइल की, जो एक गंभीर समस्या है, एक शहर की नहीं पूरे देश की. देखते हैं देश के अलग अलग शहरों से यूथ इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है और क्या राय है, किस तरह से हम जुवेनाइल प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व कर सकते हैं. हमने कुछ नहीं सीखा स्कूल से, सो वी वेंट टू द इंटरनेट एंड व्हिच इज नॉट राइट. हम गलत जगह से गलत गलत चीज़ें भी सीख सकते हैं. सो इफ़ अगर एक अथॉरिटी हमें सिखाएगा, अगर एक टीचर जिनके बारे में एक्सपीरियंस है वो सिखाएगा, सो मे बी वी कैन, इट बी हेल्पफुल फॉर अस एंड इट हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी टू. मुझे लगता है कि स्कूल का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और मेरे को लगता है ये एक लैकिंग पॉइंट है. द वेटेज ऑफ दैट क्राइम शुड बी सेम एंड आई थिंक ही शुड बी पनिश्ड एट द सेम लेवल एट विच द पर्सन इज बीइंग पनिश्ड अबव द एज ऑफ 21. ऐसे अभी ये रूल फॉर 16 ईयर्स एंड बिलो के लिए आ गया है, बट बात ये कि आजकल एनवायरमेंट इतना अवेयरनेस इतनी ज़्यादा लोगों में आ रही है कि दे ऑलरेडी नो की
what is wrong or what is right. But tab bhi log agar aisa karte, toh they should be punished. We saw in the Nirbhaya case, that person, that juvenile, he committed the crime, then he went into the jail, then he was released. Now he is living a proper life as other people. Jo saza milti hai, it should be not according to the age. It should be according to the crime. Teenagers need an education to know how to live a life. They are more prone to drug abuse due to juvenile crime. Basically, psychological problems hoti hai. Lekin yes, jitna bada crime, utti badi saza honi chahiye. Crime parameter should be applicable because if a person is committing a rape, he is equally that mature to the other person who is above 20 or somewhat. लोग इंटरनेट पे कुछ ऐसी सर्फिंग करते हैं जिसकी वजह से उनके थोड़ा सा मेंटली वो साइको हो जाते हैं. कुछ लोग वैसे ही ड्रग एडिक्ट है ही हैं. जैसे कि आप चारबाग में देखिए, आप कोई भी लड़की जा रही होगी, आपको इतने गंदे गंदे कमेंट्स मिलेंगे. मैं खुद जाती हूँ, मैं रोज़ फेस करती हूँ, बट चुप रहते हैं क्योंकि उनसे बोलने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि डेली होता है, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स लिया होता है. इनकी राय तो सुन ली. इनकी राय और आपकी राय को हम आगे लेकर चलते हैं डिस्कशन में और जानते हैं आपकी राय में क्या निष्कर्ष होगा. आप मुझे बताइए कि हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की अभी आपके सामने कि ये हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसकी वजह से होते हैं बहुत सारी चीज़ों का एग्रेशन होता है. आपको क्या लगता है कि कोई और तरीका जिसकी वजह से ये लोग जो नो पैदा हो रहे हैं नए नए जुवेनाइल क्रिमिनल्स? सो वी नीड टू रियलाइज कि एक बच्चे का सोशल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है. फैमिली में क्या होता है वैसे ही वो अपने आप को बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट करता है, और एक उसके पर्सनल लाइफ में उसको कैसी चीज़ों से एक्सपोजर दे रहे हैं. वन ऑफ़ द थिंग्स दैट आई हैव ऑब्जर्व पर्सनली इज़ दैट हम छोटे बच्चों को कितनी ज़्यादा जैसे वीडियो गेम्स से एक्सपोज करते हैं. तो अगर हम उनके हाथों में एक गन पकड़ा देते हैं, उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ हो जाती है कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, वो गेम के लिए यूज़ कर रहे हैं. व्हेन इन रियल कितनी वायलेंट चीज़ें हो रही है दुनिया में विद यूज़ ऑफ वेपन्स, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उनके बिहेवियर में आगे जाके भी. तो बच्चों को ऐसा लगता है जैसे वीडियो गेम में हम गन चलाते हैं ठाएं 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 ठाएं, वैसे ही हम जो है सामने गन आ जाएगी तो वो भी चला लेंगे. आपका क्या कहना है कि क्या है इनकी मानसिक स्थिति? बच्चों की जो थिंकिंग है घर से स्टार्ट होती है. काउंसलिंग तो हम कर सकते हैं बच्चों की, बट जो मेन परवरिश होती है वो डिपेंड करती है. एजुकेटेड माँ बाप हो तो ठीक है, यही अगर गरीब माँ बाप हो तो उन्हें एजुकेशन तो मिली नहीं, ना ही वो बच्चों से जस्ट शेयर कर सकते हैं. एंड बात रही एज लिमिट की, तो सर मेरे हिसाब से एज तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं सर. अगर आप फिर भी पूछते हो कि क्या एज है, क्या तुम चाहोगे, तो आजकल की जो सिचुएशन है उस हिसाब से मेरे हिसाब से आप 10 साल ही कर दो सर. मेन थिंग है वो है कि इनके दिमाग में डर बिठाना. डर बिठाना. और ना लाइक एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक 10 ईयर्स का कज़न है, वो किसी को पीट कर आता है, मार कर आता है, उसको बुरी तरह मार कर आता है, आके खुश होकर बताता कि मैं उसको मार के आया हूँ आज. ठीक है, तो ये चीज़ इसमें वो चीज़ नहीं है ना. कल को वो 15 साल का होगा, वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले फिर. करेक्ट. तो उसको पेरेंट्स को भी उसको समझाना चाहिए, उसको डांट लगानी चाहिए, और इस वे में डांट नहीं लगानी चाहिए कि वो उनको बातें बतानी बंद करते हैं. उनको समझाना चाहिए, उनका फ्रेंड बनना चाहिए पेरेंट्स को. भाई मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां बजाएं. एक थैंक यू सो मच. एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या एज अ सोसाइटी, एज स्टूडेंट्स, एज सिटीजन्स, क्या हम लोग काउंसिल नहीं कर सकते? बताइए. बेसिकली जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो हम देखेंगे दैट एवरी सोल नीड एक्सेप्टेंस. हर एक इंसान को एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है. जब हम देखते हैं कि 14-15 साल का बच्चा अपनी माँ को आके बोलता है मम्मा मैं आज सिगरेट ट्राई करके आया हूँ, तब उस घर में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और कहा जाता है बस अब तो बच्चा बिगड़ गया, अब कुछ करना ही पड़ेगा. Correct. तब पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे ने करना बंद कर दिया है, बट एक्चुअली बच्चे ने बताना बंद कर दिया है. ये जो आइडियल बच्चा बनाने का ढोंग माँ बाप कर रहे हैं, शायद ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्रिमिनल्स बनाने का. आई रियली फील दैट, बिकॉज जब आप बोल रहे हो कि रिहैबिलिटेशन कैंप से 40% बच्चे वापस आके वही गलती दोहरा रहे हैं, तो क्या वो गलती उस जुवेनाइल की है या उस रिहैबिलिटेशन कैम्प की, जो उसे इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया अपनी बातों से कि वो उस चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे? या आई थिंक दिस विल हेल्प. सी अभी हम सब यहाँ पे भी हम लोग पॉन देखते हैं,
बट किस तरह से हम परसीव करते हैं दैट इज़ डिफरेंट। अगर तुम किसी को बता रहे हो, तुम ऐसी मैंटेलिटी में ग्रो हो रहे हो कि लड़का है कोई बात नहीं, ये तो करेगा ही, इसको तो ऐसे ही करना है, हमारे पॉलिटिशियंस तक ये चीज़ें बोलते हैं, तो दैट इज़ वेयर द मैंटेलिटी चेंजेस। अगर आप मैंटेलिटी को चेंज करोगे, सो व्हेन यू टॉक अबाउट काउंसलिंग, तुम्हें काउंसलिंग इस तरह से करनी है कि तुम्हें मैंटेलिटी चेंज करनी है, तुम्हें यू हैव टू गो डीपर एंड ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग इज रॉन्ग एंड व्हाई दिस थिंग इज रॉन्ग, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग दैट इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ये मत करो। उन्हें बताओ कि रीज़न क्या है, किस तरह से हमें समाज में रहना चाहिए, वो चीज़ मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सर आई थिंक टीनेजर एक ऐसे होते हैं ना, उनमें एग्रेशन, एक्साइटमेंट, फैंटेसी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक मॉरल साइंस भी हमें एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम ग्राउंड जीरो पे शुरुआत करें तो स्कूल में हम क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? वी आर इंक्लूडिंग मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, बट वाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग मॉरल साइंस एज अ सब्जेक्ट, जिससे बच्चे को पता चले वॉट इज़ राइट वॉट इज़ रॉन्ग। एक्चुअली बच्चे को नहीं पता चल रहा है कि अगर मैंने ये क्राइम किया तो मुझे आगे क्या सज़ा मिलेगी, सो आई थिंक अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जुवेनाइल क्राइम और किस किस तरीके से आता है? मेरे हिसाब से ये जो जुवेनाइल क्राइम है ये शुरू होता है इग्नोरेंस से, वो इग्नोरेंस चाहे फैमिली के तरफ से हो या सोसाइटी के तरफ से हो, मेन रीज़न ये इग्नोरेंस ही है, तो हमें इसे पूरी तरह बदलना चाहिए कि हाँ आप बोलो मैं सुनूं और मैं भी बोलो तो आप सुने, ये एक मोनोलॉग नहीं होना चाहिए बल्कि डायलॉग होना चाहिए, दोनों के तरफ से इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तब जा कर के ये सिचुएशन बदलेगी। लगातार बच्चों को अगर इग्नोर किया जाएगा तो जुवेनाइल कल्प्रिट्स पैदा होंगे। इसी बात पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, कहीं मत जाएगा, फॉरन लौट के वापस आऊंगा। ओनली ऑन जोश द पावर ऑफ यूथ, न्यूज नेशन पर। वेलकम बैक टू जोश द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज नेशन। जुवेनाइल, छोटे बच्चे जो क्राइम करते हैं उन पे इस समय ये चर्चा चल रही है, ये लोग क्यों करते हैं, कहां से आते हैं और इनकी दिमागी परिस्थिति, मानसिकता क्या है जिसकी वजह से ये लोग ये क्राइम अटेम्प्ट करते हैं। आज खुश तो बहुत होगे तुम, ये फेंके हुए पैसे मैं नहीं उठाता, इस तरह की फिल्में जब ये लोग देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि क्या रास्ता है। जब उन्होंने देखा किसी फिल्म में उनका हीरो जो है वो बुराई के रास्ते से जीत हासिल करता है, बहुत सारे पैसे कमाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि यही वो करेक्ट रास्ता है। जब विलन्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, जीपों में जाते हैं, मारपीट करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं और उसके बाद क्राइम करते हैं, तो उनको ऐसा इंप्रेसिव लगता है कि वाह ये है सही तरीका। क्या और पैरामीटर्स हैं आपको ऐसा लगता है जिसकी वजह से ये क्राइम बढ़ता जा रहा है? मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो है कि जो जुवेनाइल्स है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं हमारे सराउंडिंग से, और जो पीयर प्रेशर की बात जो आ जाती है, जो दूसरों के बहकावे में आके जो क्राइम्स करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। इंडिविजुअली हम लोग को ये बात समझनी चाहिए कि जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, हम जब खुद अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, तब तक देश नहीं जागरूक होगा, और देश को जागरूक बनाने के लिए युवा पीढ़ी का जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉइंट उनको दी का पीछे कुछ कहना चाह रहे हैं। जब हम मूवीज़ की बात करते हैं कि मूवीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं इन क्राइम्स के लिए जो यूथ कर रहे हैं, मुझे लगता है मूवीज़ से ज़्यादा जो आइटम नंबर्स मूवीज़ में होते हैं ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब हमारे पास ऐसे आइटम नंबर्स आते हैं जैसे तंदूरी मुर्गी हूँ मैं, गटका लूँ मुझे अल्कोहल से, ये क्या मैसेज दे रही है यूथ को कि वेमेन क्या है, वो ह्यूमन बींग्स नहीं है जिन्हें ऑनर करना चाहिए, रादर वो एक सेक्स ऑब्जेक्ट है, लुक एट देम एज सेक्स ऑब्जेक्ट, ऐसा मैसेज इंडिकेट हो रहा है। और फिर हमें ठीक है, हम लोग को प्रॉब्लम आइटम नंबर से भी नहीं है, इफ दे हैव अ फन एंड एंजॉयमेंट, बट जब आइटम नंबर्स सेक्सुअलाइज करते हैं विमेन को, जब आइटम नंबर्स ऑब्जेक्टिफाई करते हैं विमेन को, सब्जुगेट करते हैं, तब हमें उनसे प्रॉब्लम्स है। आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मेरा ये कहना है कि सबने इतने डायमेंशंस दिए यहाँ पे कि पीयर ग्रुप का प्रेशर है, आइटम सॉन्ग्स का है, वीडियो गेम्स का है, बट सबसे बड़ा रीज़न है माइंडसेट। आप क्या सोचते हैं, अगर टीवी में एक सीरियल दिखा रहे हैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, हम उसको किस तरीके से लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हो, एक लड़का एक लड़की को देख के क्या सोचता है, अपन को सोच बदलनी है, सोच बदलेगी तो ही देश बदलेगी और दुनिया बदलेगी। इट्स ऑल अबाउट हमारा सोचना और हम उस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द सेम थिंग। बहुत अच्छी बात कही आपने, हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, और बदलाव बहुत ज़रूरी है। जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए एक बार। मेरे अकॉर्डिंग जो जुवेनाइल क्राइम हो रहे हैं उसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। लाइक
एक कोई भी इंसान खुद से खूनी नहीं पैदा होता है, उसको समाज खूनी बना देता है। अगर समाज ही स्टार्टिंग से ऐसी कंडीशंस, इतना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे कि उसको पता है क्या सही है क्या गलत, तो वो ऐसे क्राइम करेगा ही नहीं जी। उनके पीछे कोई बड़ा होता है, उनको पता है, वो इसलिए वो क्राइम कमिट करते क्योंकि उन्हें पता है कि वो बच जाएंगे। बेशक उनके पास शायद पैसा है इसलिए वो बच जाएंगे, या कोई उन्हें सपोर्ट करने वाला है इसलिए वो बच जाएंगे, पर उन्हें पता होता है कि वो बच जाएंगे अल्टीमेटली, तो वो क्राइम करते रहते हैं। सो द थिंग इज कि अगर एक बच्चा रेप या फिर मर्डर जैसे क्राइम कमिट कर सकता है, तो एज है ही नहीं फिर तो कोई, कि क्या उसको इतनी सी उम्र में ये पता है कि रेप एंड मर्डर मैं कर सकता हूँ, एंड तो फिर कोई एज का मतलब ही नहीं है, तो एज का बैरियर है क्यों? मैं ये कहना चाहूँगी कि वी आर वॉट वी आर ड्यू टू द लाइक चॉइसेस वी मेक। यहाँ दिखाने को तो बहुत कुछ है, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब है, लेकिन हम क्या उसमें से लेते हैं जो हमारे लिए सही है, हमारे लिए एप्ट है, हम वो चूज़ करें। ये हमारा एक वाइज डिसीजन होना चाहिए खुद का। हमें अगर किसी चीज़ पसंद नहीं है कोई चीज़, तो हमें अपना ओपिनियन जो कि उसके अगेंस्ट जा रहा है वो भी रखने का उतना ही अधिकार है जितना कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, आप लोगों के विचारों का सम्मान करते हुए इस स्टेज से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, जो लोग घर बैठे हैं, इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूं कि लिटरेसी सबसे बड़ा मुद्दा है। लिटरेट कीजिए, बातचीत कीजिए, डरिए मत, चाहे वो घर वाला बड़ा हो, टीचर हो। सेक्स एजुकेशन के ऊपर बातचीत कीजिए, क्राइम नहीं होने पर बातचीत कीजिए, लिटरेसी पर बातचीत कीजिए। एम्प्लॉयमेंट देना हर घर में ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पावर्टी होती है वहाँ क्राइम की मात्रा ज़्यादा है, ये हम सबको पता है। स्टैटिस्टिक्स बोल चुकी हैं, हम लोग सब लोग मानते हैं। किसी भी केस को दूसरे केस से ना मैच किया जाए, यानी कि हर केस का एक अलग पैरामीटर्स होने चाहिए। और लगातार हमें एज इंडियन, एज अ सिटीजन, एज अ स्टूडेंट, एज अ सन, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ रिलेटिव, एज अ नेबर, हमें वो रोल निभाना है और हर उस इंसान को ठीक रास्ता पे पहुंचाना है, उसकी एनर्जीज को सही जगह डाइवर्ट करना है जहां से वो एक अच्छा इंसान बने। क्योंकि अगर बच्चे हैं तो वो अच्छे हैं और अच्छे मन के सच्चे हैं, और बच्चों को आगे बढ़ाने का पूरा काम हम सबको मिलकर देखना है। इज दैट ट्रू? ओके, तो यहीं पर मैं इस शो को अंत करता हूं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। गार्गी कॉलेज और आप सबके एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आप लोग यूं ही देखते रहिए, फिर अगली बार एक नए मुद्दे को लेकर सामने आऊंगा। विपुल रॉयस मन से आप सबको कहता है अलविदा। जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज़ नेशन।